Hi everybody, I hope all of you are doing well. So this video is to inform you that the admit card for JEE BR first attempt examination that is going to be held on 28th January is out now. So you can just log in from the website link that I have given in the comment section and in the description box. वहाँ पे जाके आप अपने अकाउंट में लॉगिन करके और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो. उसमें सारी डिटेल्स वैसे तो लिखी हुई हैं, बट ऑल्सो लेट अस क्विकली टॉक अबाउट द थिंग्स, द डॉक्यूमेंट्स एंड द स्टेशनरी विच यू नीड टू कैरी टू द एग्जामिनेशन हॉल. और अच्छे से समझते हैं कि क्या क्या कैरी करना है. सो यू कैन जस्ट मेक अ चेकलिस्ट एंड जब आप जाओगे तो सब कुछ अपना स्टेशनरी और डॉक्यूमेंट एक दिन पहले रात में रेडी करके रखना, सो दैट यू नो यू डोंट फॉरगेट इट. ओके, सो जस्ट क्विकली सी द डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेशनरी. ओके गाइज, सो एज यू कैन सी दिस इज द एडमिट कार्ड ऑफ वन ऑफ आर स्टूडेंट्स. द कोर्स नेम इज पेपर 2A BR, विच इज द JEE मेन्स पेपर 2. ठीक है, तो एग्जामिनेशन है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज 28th जनवरी 2023 एंड द शिफ्ट कैन बी डिफरेंट फॉर यू. यू कैन ऑल्सो बी अलॉटेड इन द फर्स्ट शिफ्ट. सो प्लीज़ गो थ्रू योर एडमिट कार्ड एंड लुक एट देयर दैट व्हाट इज़ योर रिपोर्टिंग टाइम एंड व्हाट इज़ योर गेट क्लोजिंग टाइम एंड व्हाट इज़ योर टाइमिंग ऑफ द टेस्ट. ओके, तो ये सब आपको खुद अपने एडमिट कार्ड में चेक करना है आफ्टर डाउनलोडिंग इट फ्रॉम द वेबसाइट. Okay, so as you can see, the reporting time is 120. You have to ensure that you are reaching not at 120, but at least 45 minutes to 1 hour before this entry time, right? So if it is telling 120, so you should ensure ki aap ya 12:30 tak aap पहुंच जाओ वहाँ पे. ठीक है, बिकॉज यूजुअली इट गेट्स रियली क्राउडेड एट द एग्जामिनेशन सेंटर. तो सपोज यहाँ पे सेंटर है तो ये पूरा एरिया इट इज़ वेरी क्राउडेड विथ कार्स एंड विथ पीपल. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स टू यू नो पार्क द कार समटाइम्स फॉर योर पेरेंट्स और मे बी इवन टू गेट क्लोजर टू द सेंटर. तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है एंड दैट इज़ वाई यू शुड इंश्योर दैट यू आर रीचिंग इवन 45 minutes before the entry time that has been given to you. ठीक है, ताकि आप ट्रैफिक और ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आपकी ना आए और आप लेट ना हो जाओ एग्जामिनेशन के लिए. ठीक है, लुक एट द वेन्यू ऑफ द टेस्ट ऑल्सो, वट एवर हैज़ बिन अलॉटेड टू यू. आई हैव सीन सम पीपल विजिट द वेन्यू वन डे बिफोर ऑल्सो टू एग्जैक्टली मेक श्योर दैट उनका वेन्यू कहाँ पर है. समटाइम्स क्या होता है कि हम फाइंड नहीं कर पाते हैं हमारा वेन्यू. समटाइम्स इट हैपन्स, इट्स वेरी रेयर, यूजुअली इट विल बी वेरी विजिबल टू यू, बट स्टिल आप चेक कर सकते हो. अगर ज़्यादा दूर नहीं है, 20-30 मिनट्स ही दूर है वेन्यू, सो यू कैन गो वंस बिफोर वन डे बिफोर द एग्जामिनेशन एंड चेक आउट कि कहाँ पर है. ठीक है, दिस इज़ अगेन अ न्यू थिंग फॉर द एग्जामिनेशन विच इज़ अ सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग एंड यू हैव टू कैरी दिस completely filled in the examination center. So you have to fill all these things. ये पढ़ लेना ही, सब कुछ आपको fill करके लेके जाना है. You also have to paste your photograph, which should be the same photograph which you have uploaded in the application form, the passport size photograph, right? And ये और ये thumb candidates left hand thumb impression to be put before reaching the center. तो आप आज ही वो जो भी होता है यू नो जहाँ पे जो इंक सा होता है जिसको आप फिर अपने थंब को इसका इम्प्रेशन डालोगे, वो सब आपको आज ही करना है राइट नाउ. ओके, सो अपलोड द फोटोग्राफ विच इज़ देयर इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड पेस्ट योर थंब इम्प्रेशन ओवर हियर. हाउएवर यू शुड नॉट फिल दिस पार्ट, ये आपको साइन नहीं करना है. ये आपको साइन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ द एग्जामिनर or the invigilator, right? So you just have to leave this part and the above undertaking has to be filled up in advance before reaching the center except the candidate signature. Okay, तो पूरा आपको fill करके लेके जाना है, photograph, thumb impression and all the things should be filled but not the signature, and this is very important in the examination. Now let's talk about the instructions and quickly go through the instructions. ये आप खुद भी पढ़ सकते हो, but कभी कभी क्या होता है कि पॉइंट्स मिस हो जाते हैं. तो ये वीडियो कम्प्लीटली देख लो, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग ऑल द पॉइंट्स विच आर देयर. बट आई विल रेकमेंड यू दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल्सो यू गो अगेन एंड रीड इट थॉरली. ओके, सो नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड आफ्टर द लेट क्लोजिंग टाइम एंड इट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट. इफ यू आर लेट, यू आर लेट, यू विल मिस द एग्जामिनेशन. ओके, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन. दैट मीन्स यू विल बी ओनली परमिटेड
आफ्टर 6:15 और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, 15 मिनट लगते हैं आपको बाहर आने में, तो तभी आ पाओगे. अपॉन कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन प्लीज़ वेट फॉर द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम इन्विजिलेटर्स एंड डू नॉट गेट अप फ्रॉम योर सीट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सीट से उठने रहे हो. यूजुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट आई विल रिकमेंड यू, दैट इज़ ऑफकोर्स वॉशरूम. ट्राई टू ईट वेरी लाइट, लाइक डोंट जैसे पूरा भर के मत खा के जाओ एग्जामिनेशन में, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सिट सच अ लॉन्ग टाइम. एंड यू नो इट्स नॉट एडवाइजेबल टू गो टू द वॉशरूम बिकॉज टाइम इज ऑलरेडी रियली कट शॉर्ट. तो आपके लिए ये एडवाइजेबल नहीं होगा कि आप बीच में उठ के और यू नो यू आर गोइंग टू द वॉशरूम. सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप जब खाना खा रहे हो, सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हो, ईट रियली लाइट थिंग्स, लाइक ओनली ईट फ्रूट्स एंड स्टफ, ठीक है. आपको वैसे भी ना, ट्रस्ट मी, व्हेन यू विल गिव द एग्जामिनेशन आपको भूख नहीं लगने वाली है. तो आप सिर्फ फ्रूट्स वगैरह खा के जाओ और वॉशरूम मत जाना एग्जामिनेशन में. मोस्टली हो सकता है वो अलाउड भी ना हो, बट हो भी स्टिल यू डोंट वांट टू गो दैट. सो डू नॉट गेट अप फ्रॉम योर सीट एंड डू नॉट बी अनकम्फर्टेबल, वेयर रियली कम्फर्टेबल क्लोथ्स, ठीक है. काफ़ी लोग बहुत अनकम्फर्टेबल क्लोथ्स वगैरह पहन लेते हैं तो दिमाग फिर उसमें जाता है. सो वेयर रियली कम्फर्टेबल क्लोथ्स, ईट वेरी वेरी लाइट एंड अभी से बाहर से भी कुछ मत खाओ ताकि आपके यू नो पेट में दर्द वगैरह ना हो. तो बाहर से अभी कुछ भी मत खाओ, ईट वेरी घर का खाना एंड वेरी लाइट फूड, ओके. All candidates are required to download and read carefully the instructions and advisory for COVID given in the admit card and strictly adhere to them. ठीक है, तो COVID protocols आप strictly follow करके जाना. And yeah, so again the self declaration जो हमने अभी देखा, तो ये बहुत important है, fill करके जाना. Page 1 contains the center details and self declaration, so you have to fill that. And admit card is provisional, subject to satisfying the eligibility conditions given in the prospectus. ये तो ठीक है, ये पढ़ लेना, ठीक है. ये बहुत important है. If religions and custom require you to wear specific attire, thorough checking and frisking is essential. Basically आप कपड़े ऐसे पहन के जाओ जो काफ़ी comfortable हो, और यू नो मतलब वो स्मार्ट वॉच वगैरह मत पहन के जाना, अदरवाइज़ वो आपके ले लेते हैं. तो बी केयरफुल अबाउट दैट एंड अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, आप कुछ भी पहन के जाओ, इट्स कम्प्लीटली फाइन. बट ट्राई टू वेयर लाइट क्लोथ्स, लाइक डू नॉट वेयर क्लोथ्स विच हैज़ टू मेनी पॉकेट्स एंड जैकेट्स विच हैज़ टू मेनी थिंग्स. तो एक सिंपल आप स्वेटर या टी शर्ट पहन के जाओ, दैट वुड बी फाइन. Okay, no candidate will be allowed to enter the examination without admit card. So if you don't have your admit card, if you don't have the undertaking filled, जो मैंने आपको बताया, then you will be not allowed. आपकी valid ID proof होनी चाहिए, your passport, your आधार card. Take your passport or आधार card. Okay, and proper checking would be there. Candidates will be permitted to carry only the following item. ठीक है, तो ये बहुत important है कि आपको क्या क्या लेके जाना है. ये तो documents की बात हो गई और normal बातें हो गई, but आपको क्या क्या लेके जाना है. You have to take your personal transparent bottle. पानी लेके जाओ, ज़्यादा पीना मत लेकिन examination में, ठीक है. Personal hand sanitizer you have to carry. You have to carry a simple ball point pen. ठीक है, वैसे तो दिस इज़ फॉर पेपर 1 स्टूडेंट्स. काफ़ी लोगों को लगता है कि ये पेपर 2 के लिए भी है, बट पेपर 2 में आप लेके जा सकते हो एनी स्टेशनरी यू वॉन्ट टू कैरी एक्चुअली. बट बॉल पॉइंट पेन भी आप रख लेना. एडमिट कार्ड अलॉन्ग विथ सेल्फ डिक्लेरेशन जो मैं अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है. यू हैव टू कैरी ओरिजिनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर पेस्टिंग ऑन अटेंडेंस शीट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल मिस दिस. सो डू कैरी एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विच यू विल हैव टू पेस्ट. तो 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ओके, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यू कीप विथ यू जस्ट फॉर सेफ्टी, ठीक है. एंड ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ यू हैव टू कैरी. नो कैंडिडेट, डो नॉट कैरी योर ई आधार, बिकॉज वैसे तो दैट इज़ ओरिजिनल ओनली एंड दैट इज़ वेरी वेरी वैलिड. बट ई आधार में क्या होता है कि समटाइम्स वो नहीं उसको ओरिजिनल मानते हैं ड्यू टू सम रीजन्स, ऐसा ऐसा होता नहीं है. बट आप अपना जो आधार कार्ड है ना वो कैरी करना, अगर नहीं है तो पासपोर्ट वगैरह कैरी कर लेना. सो डू कैरी योर आधार कार्ड. अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो अगर आपका जो ई आधार होगा आप उससे भी अपना कार्ड बनवा सकते हो. सो डू मेक श्योर दैट यू आर कैरिंग यू नो द कार्ड विच इज़ देयर, डोंट कैरी द ई आधार, ओके.
नो कैंडिडेट इज अलाउड इन द सेंटर वेयरिंग हिज और हर ओन मास्क. तो आपको मास्क पहन के नहीं जाना, आपको सेंटर पे प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है, उसके बाद आप ये सब पढ़ लेना. आई डोंट थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू इट्स टॉकिंग अबाउट योर वैलिड आई डी विच इज़ योर पैन कार्ड, ड्राइव डी एल, या यू कैन कैरी योर डी एल. यू कैन प्रेफर्ड क्या होता है, आप अपना डी एल कैरी कर सकते हो, पासपोर्ट, आधार कार्ड, दीज आर द बेटर. वैसे तो इसमें लिखा है ई आधार विद फोटोग्राफ एंड ये वैलिड भी होता है, बट मैंने देखा है कभी कभी वो लोग बोलते हैं कि ये ओरिजिनल नहीं है, तो इसीलिए सेफर साइड में आप अपना कार्ड ही कैरी कर लेना. ठीक है, या अदर फोटोकॉपीज ऑफ आई डी इवन अटेस्टेड विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड आई डी प्रूफ. ठीक है, मोबाइल फ़ोन में नहीं दिखाना होता है, मोबाइल फ़ोन तो लेके ही नहीं जाना है आपको, पेरेंट्स को दे देना. ठीक है, ओके, एंड सम अदर थिंग्स आर देयर. नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर ड्रॉइंग टेस्ट. ठीक है, फॉर ड्रॉइंग टेस्ट यू हैव टू कैरी योर ज्योमेट्री बॉक्स. सो बेसिकली यू कैन कैरी एनीथिंग, यू कैन कैरी योर स्केल, यू कैन कैरी कंपस, डी, ये सब आपको कैरी करके लेके जाना है. प्रॉपर पेंसिल्स, इरेजर्स, कलर पेंसिल्स. डू नॉट कैरी एनी काइंड ऑफ वाटर बेस्ड कलर. सो इट्स रिटन कि आप वाटर कलर नहीं कैरी कर सकते हो, एक्रेलिक्स, पोस्टर कलर्स, दीज आर नॉट अलाउड ऑन द ड्रॉइंग शीट. आपको ड्रॉइंग शीट भी नहीं लेके जानी है अपनी तरफ से, कोई शीट आपको प्रोवाइडेड होगी इन द एग्जामिनेशन. यू जस्ट हैव टू कैरी योर ज्योमेट्री बॉक्स, यू हैव टू कैरी योर पेंसिल्स, इरेजर, माइक्रॉन पेन्स इफ यू वॉन्ट. तो जो भी स्टेशनरी आपको करना है ना, किसी भी टाइप का पेन, पेंसिल, इरेजर, कुछ भी आप लेके जा सकते हो, बस वाटर बेस्ड कलर्स नहीं लेके जा सकते. सो डोंट कैरी अल्कोहल, मार्कर्स, थिंग्स विच डैमेज योर शीट बेसिकली. तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम स्केच पेन्स वगैरह कुछ ले जाते हैं तो वो फिर पीछे भी छप जाता है पूरा. सो डोंट कैरी दोज काइंड ऑफ स्टेशनरी आइटम्स. अदरवाइज माइक्रॉन पेन्स, कलर पेंसिल्स, वाइट पेन्स एंड क्रेयॉन्स, एनी काइंड ऑफ pencils and colors which don't damage your sheet are allowed in the examination. ठीक है, पर्सनल बिलोंगिंग्स कुछ भी मत लेके जाना एग्जामिनेशन में, पॉकेट वॉकेट में रख के. मेक श्योर दैट योर पॉकेट्स आर कम्प्लीटली एम्प्टी, यू आर नॉट कैरिंग एनी काइंड ऑफ चिट्स. और कभी कभी हमारे पॉकेट में कुछ बहुत पहले का रखा होता है, कोई पेपर, तो वो सब भी बिल्कुल भी चेक करके जाना. ठीक है, shoes and footwear with thick soles and garments with large buttons are not permitted. तो ये भी ध्यान रखना that the cloth you are wearing should not have too many buttons or pockets or you know that hidey-widey things वाले ना हो. बिल्कुल simple कपड़े पहन के जाना. ठीक है, जो कि checking में बिल्कुल भी वो उसमें ना आए. Blank sheets will be provided to you for rough work, so don't worry about that. Rough paper आप कितना भी ले सकते हो. ठीक है, duly filled admit card must be dropped in the डेजिग्नेटेड ड्रॉप बॉक्स. तो ये सब तो सिंपल सी चीज़ें हैं, ये आप एक बार पढ़ लेना. एंड दिस इज़ द एडवाइजरी रिगार्डिंग द कोविड. नाउ यू ऑल्सो गो थ्रू एवरीथिंग. वैसे तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, अब आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं सेंटर पे. ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इसका चेकलिस्ट बना लो एंड टेक इट टू द एग्जामिनेशन हॉल. एनी काइंड ऑफ डाउट्स यू आर हैविंग प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो, आई विल रिप्लाई टू यू जस्ट इंस्टेंटली. तो कॉमेंट करके कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लो. ठीक है, थैंक यू, दैट वाज इट. 3 महीने पहले श्रुति मैम का ड्राइंग कोर्स ज्वाइन किया था. जब ज्वाइन किया था तभी मेरे को प्रस्पेक्टिव ड्राइंग्स नहीं आते थे. ज्वाइन करने के बाद 3 महीने में ही मैं प्रस्पेक्टिव सारा सीख चुका हुआ भी. एप्टीट्यूड वाज टेकन बाय अनंजय सर, ही इज वेरी गुड एट दैट एंड ही वॉट एवर क्वेश्चन ही आज जनरली कम्स इन द एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर विच वॉज वेरी ग्रेट फॉर अस की यू नो लर्निंग फ्रॉम सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस टीचर. द वेरी टू द पॉइंट कंटेंट, द स्टडी मटीरियल, द पी डी एफ्स, द ई बुक्स एंड द मॉक टेस्ट पेपर्स आर जस्ट इफेक्टिव एंड मोर ओवर द क्वेश्चन दैट आई जस्ट प्रैक्टिस बिफोर द टेस्ट were there in the NATA 2022 examinations. And in 1 month, they prepared me so well that I could qualify NATA's first attempt. But even with the changed pattern, the new pattern, they prepared us even better for the next attempt. And all the live classes, all the weekly quizzes were strictly according to the new pattern. The teachers were also very cooperative and they used to answer our doubts 24/7. I will really recommend you guys to join the course which will help you guys because it had helped me a lot. And thank you Shruti Di for teaching us.
I took many demos of various institutes, but I ended up at Shruti Ma'am's institute and it was the best decision I ever made. वो मैंने join किया तो मेरा सबसे weakest point GK वो उन्होंने बहुत अच्छे से करवाया था and history तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करवाया था लेकिन एक बार पढ़ा और पूरा याद रह गया था. Thank you so much guys for watching this video. Don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon because I update you regarding every single thing on architecture entrance examinations. Also, we will be uploading really interesting videos very, very soon. So don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon.